أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कमोडोर तौकीर अहमद साहब जो नस्ट यूनिवर्सिटी के कमांडेंट हैं फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मौजिस ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मुझे लिखी भी तो चार पेज की स्पीच है लेकिन जब पीछे मैंने पाकिस्तान फर्स्ट लिखा हुआ देखा तो फिर कोई बात रह नहीं जाती जो की जाए। और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के नाम को बड़ा करने के लिए बुलंद करने के लिए हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं यूथ है काम करेगी, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का नाम और सर फख्र से बुलंद करने के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फर्स्ट हाइब्रिड व्हीकल बनाई है उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए और उनके जो पेरेंट्स बैठे हैं मैं उनको स्पेशली मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमारे इस पाकिस्तान के लिए ऐसे नौजवान पैदा किए जो पाकिस्तान का नाम सर से फख्र से बुलंद कर रहे हैं। जो बातें मैंने यहाँ सुनी, अब ज़ाहिर है मैं एक इंजीनियर तो नहीं हूँ, एक लेमैन की हैसियत से जो टेक्निकल बातें कमोडोर साहब ने बताई हैं या जो स्पीच उस स्टूडेंट ने की जो इनको बनाने की टीम का कैप्टन है, लेकिन उनकी बातों से जो अखज़ मैंने किया है मैं ये समझता हूँ कि ये वो टैलेंट है जिसके पीछे रह के हमें काम करना चाहिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि कमांडर साहब ने भी कहा कि इनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं और आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसको सराहा जाएगा। और मैं समझता हूं कि हम जो पूरे साल में एक दफ़ा अवार्ड सेरेमनीज़ करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड्स देते हैं, हमें इन बच्चों को अवार्ड्स देने चाहिए, इनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए और इनको सराहना चाहिए। और मैं आज ये आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल गए होंगे लेकिन कोई भी आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ आपको स्पॉन्सर ढूँढना पड़े तो मैं आज यहाँ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, बहसियत कामरान तिसोरी मैं आपके हर प्रोग्राम में आपका स्पॉन्सर हूँ, गवर्नर की हैसियत से नहीं बहसियत कामरान तिसोरी, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे वतन का नाम आएगा, जहाँ मेरे इस पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए मेरा ये टैलेंट, मेरे ये नौजवान, मेरी ये टीम जो अपने जिस तरह उसने बताया कि 72 आवर्स काम करना, रात को दिन और दिन को रात समझकर काम करना, तो यही तो वो लोग हैं जिनसे आज जो हमारी बैरूनी ताकतें हैं या पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो खौफज़दा हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो टीम है, ये वो नौजवान हैं जो अगर इनको मौके मिले, इनको सपोर्ट मिली तो ये तो पाकिस्तान में दूसरा एक एटम बम तैयार करके रख देंगे, एक लेटेस्ट मॉडल का एटम बम तैयार कर देंगे। और इंशाल्लाह ये कर सकते हैं क्योंकि जो बग़ैर वसाइल के या सपोर्ट ना होने पर इतना सब कुछ कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये सजेशन दूंगा कि इनमें से कुछ जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो जो हमारी टीमें आईएमएफ से मुज़ाकरात करने जाती हैं उनमें भी शामिल करा दें, क्योंकि हो सकता है कि ये 18 से 23 साल के बच्चे हमारा कर्ज़ा माफ़ करवा के आ जाएँ या ऐसा प्लान देकर आ जाएँ कि आईएमएफ वाले भी हैरान रह जाए। क्योंकि अगर इतना टैलेंट है तो आज मेरा एक सवाल है कि फिर पाकिस्तान दुनिया में हर रेस से पीछे क्यों है? जब फॉर्मूला के लिए हम ये बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, हमारे पास ज़ीरो से लेकर, जैसे अभी मुझे बता रहे थे कि स्क्रैच से लेके एंड तक का सारा जो इक्विपमेंट है यहीं बना, यहीं तैयार किया गया, तो फिर यही मैं सवाल सब जगह करता हूं कि
कि फिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जब किसी भी इदारे में प्रोफेशनल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा टैलेंट मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान दुनिया में है, क्यों अपना नाम और मकाम नहीं बना पा रहा। ये सवाल और इसका जवाब ढूंढना है, या कोई ऐसी वजह है कि इन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा, या नज़र लग गई है। यानी आप सोचें कि जहां ऐसे हुनरमंद तालिब इल्म मौजूद हों जो अपनी तालीम के साथ साथ एक हुनर बनाने की सलाहियत रखते हों, वो फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आज पाकिस्तान क्यों IMF के साथ जाकर $1 और $2 बिलियन मांग रहा है, क्या वजह है। हमें ये वजह तलाश करनी है, हमें ढूंढनी है ये वजह, और वो दिन लाना है कि जब पाकिस्तान हर चीज़ में पहले पाकिस्तान, फर्स्ट पाकिस्तान का नारा जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये हमारे आने वाले नए तालिब इल्म नौजवान इस पाकिस्तान को माशरती और माशी मसाइल से एक दिन ज़रूर निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं आज अपने जो कमांडर तौकीर साहब हैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आप गवर्नर हाउस मेरे पास लाइए, मैं उनके एजाज़ में इशाइया दूंगा और वो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। तो आप जितने भी आपकी फैकल्टी है, आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे 1000 हों 1100 जो आपने बताया, हम सब के लिए एक शाम जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। और जिन लोगों ने ये बनाया है उनके लिए मैं जो गवर्नर गोल्ड मेडल है उसका भी ऐलान करता हूँ, उसको हम वहाँ पे उनको गोल्ड मेडल्स देंगे इंशाल्लाह ताला। और जो कुछ बहैसियत गवर्नर सिंध मैं आप लोगों के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कर सकता हूँ, बल्कि मैं अभी कह रहा था कमांडर साहब से कि मेरी जो हमारे कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अभी वो मुझे गाड़ी में कह रहे थे कि आप नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए और बड़ा अगर कोई कैंपस हम बना सकते हैं तो उसका भी ऐलान कर दें, लेकिन आप ऑलरेडी एक बना रहे हैं, चल रहा है। लेकिन जो भी सपोर्ट आपको फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन से या बहैसियत गवर्नर सिंध चाहिए, मैं आपके साथ आपका टीम मेंबर बनकर काम करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि आइंदा अगर आप कोई अच्छी सी कार बनाएं तो मुझे भी बुला लें, तो कुछ टाइम आके मैं भी इसके अंदर आपका मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो कि ये 60 स्टूडेंट्स ने बनाया है या और भी इनके साथ शामिल हैं। तो इस पर शायर ये कहता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वो एक काफ़िला बन जाता है, तो शायर कहता है कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा। अज़्म व यकीन मतलब कि जब आप अज़्म कर लेंगे, यकीन कर लेंगे, तो जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। तो हमारी हिम्मत चाहिए, और जो जिन स्टूडेंट्स ने ये बनाया है उनकी नज़र ये शेर, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफ्ताब इसी सरजमी से निकलेगा। ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की मट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी नस्ट यूनिवर्सिटी से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी दिली नेक तमन्नाएं हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह ताला उनको अमली ज़िंदगी में भी कामयाबियां अता करे। और हमने मायूसी को अब बिल्कुल साइड में रखना है आज का दिन, इस अज़्म के साथ कि जब हम हर मैदान में आगे हैं, आ सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो हम इस पाकिस्तान को भी सही सिमत लेकर जाएंगे, सही राह लेकर जाएंगे, और इसको तरक्की और इसको खुशहाली भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें इसके लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना, हमें इसके लिए किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी, हम एक दूसरे का मसीहा बनेंगे,
एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे और एक दूसरे का हाथ थामकर इस पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे, माशरती तरक्की दिलाएंगे। और ये जो हमारे पर लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तानी किसी चीज़ में किसी फील्ड में नहीं है, IMF के सामने हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, इंशाल्लाह मेरी ये आने वाली नई नस्ल नई यूथ ये मिथ तोड़ेगी और हम पाकिस्तान को आगे जाता हुआ इंशाल्लाह ताला देखेंगे और वो दिन ज़रूर आएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज नस यूनिवर्सिटी में और मैं फैकल्टी एडवाइज़र भी हूँ नस फार्मूला स्टूडेंट टीम का। और हमारी जो ये व्हीकल है ये वैसे तो 2012 से मुख्तलिफ जगहों पर कॉम्पिटिशन में जाती है वर्ल्ड वाइड। इस दफ़ा 2024 में हमारा जो कॉम्पिटिशन हो रहा है फार्मूला FS1 UK कहलाता है, इस कॉम्पिटिशन में ये कार हाइब्रिड व्हीकल के तौर पर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और हाइब्रिड व्हीकल पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टूडेंट की हमारी तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से ही कह लीजिए नस्ट की तरफ से जाएगी ये व्हीकल। इसमें स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इंक्लूड हैं और ये टोटल जो कार तैयार की गई है इसमें हमारा फैकल्टी एडवाइज़र होने की हैसियत से सिर्फ फैसिलिटेटर का काम है, बल्कि इसमें जितनी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं या डिज़ाइन है ये सारा स्टूडेंट्स का अपना है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए पूरे, मतलब मैं मीडिया की तरफ से लोगों तक मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जो है ये कंपटीशन को अगर वो सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, आइंदा फ्यूचर में भी ऐसे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ और दूसरी यूनिवर्सिटीज से भी कॉम्पीट करेंगी जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑन द बोर्ड, कुछ महीने पहले ये एक टीम आई थी नस्ट की, इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया लिंक्डइन पे और इनसे मुलाकात हुई, तो हमने जब विज़िट किया तो वी वर वेरी इम्प्रेस्ड कि ये किस किस्म का काम हो रहा है। और जो मैं भी इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे पास नहीं थे तो इस प्रोजेक्ट से हम बहुत इंटरेस्टेड थे। So that's why State Life Insurance is very, very privileged to sponsor, being a silver sponsor, and we wish them all the luck. Ke they should do innovation or koi naam roshan karenge. Pehle bhi do dafa awards jeet ke laaye hain. So mujhe bahut umeed hai Pakistan ki young generation se. So inshallah, there is a bright future ahead. Thank you, sir. Assalamu alaikum, and my name is Asma Shakir and I am in NS Pharma student team for 3 years and I'm in electrical department senior member in electrical team. And this year I've made is saal jo hai maine hybrid hum logon ne hybrid vehicle banayi hai, so that's it. थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता। ओके, सो इन आवर फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट एवर हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, वो कंफर्टेबल जिस बायलिंगुअल कर ले। ओके, मैं जो टीम में 3 साल से हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीनियर मेंबर हूँ। तो पहले जो सालों अब जो है हमने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इस गाड़ी पे बहुत पूरे एक साल में जो है इस गाड़ी पे हमने काम किया है और इस पे हमने मेहनत किया है और बेसिकली जो है ऑल्सो हमारे पास हमने बहुत सारे इस पे जो है हमारे जूनियर मेंबर्स को हमने ट्रेन किया है। सम टेक्निकल थिंग्स भी बताऊँ, ऑल्सो हमारे पास जो है अब बेसिकली हाइब्रिड का जो हमारा मेन रोल है हमने इसमें जो है इस बोथ कंबस्शन एंड इलेक्ट्रिक तो हमारे पास इंजन से इंजन इनिशिएट करेगा, उसके बाद उसकी सिंकिंग में जो है मोटर जो है हमारे पास उसको हब मोटर जो फ्रंट व्हील्स में लगी हुई है वो उसको आगे रन करेंगी एंड दैट्स हाउ आवर हाइब्रिड व्हीकल विल वर्क। मेरा नाम शहीद सिद्दीकी है, मैं नस फार्मूला स्टूडेंट टीम में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। हमारा मेन रोल होता है कि हम स्पॉन्सरशिप्स एक्वायर करें हमारे प्रोजेक्ट के लिए और इसके अलावा हम उसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ताकि स्टेम को और फार्मूला स्टूडेंट कल्चर को हम पाकिस्तान भर में और स्प्रेड करें और उसकी आगाही बच्चे बच्चे तक घरों घरों तक पहुँचे। तो हमारी जो जर्नी है वो बहुत सालों से 2012 से जैसे आपको पता चल रही है, हम हर साल जो है UK जाते हैं और वहाँ पे हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि हम अपने मुल्क का परचम जो है वहाँ पे लहराते हैं। तो 2014 में जब हम गए थे हम पहली टीम थे जिसको पाकिस्तान से एक कम्युनिकेशन अवार्ड मिला और 2015 में हम पहली टीम थे पाकिस्तान की जिसकी गाड़ी जो है एक्चुअली ट्रैक पर उतरी और रेस की। सो उसके अलावा भी हमारे हर साल न्यूमरस अचीवमेंट है। इस साल वी वर द फर्स्ट टीम फ्रॉम एशिया टू क्लियर मेनी क्विजेस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़। सो प्रोग्रेस माशाल्लाह अच्छी जा रही है एंड आई होप विद द सपोर्ट ऑफ आर स्पॉन्सर्स एंड आवर यूनिवर्सिटी नस्ट हम और माइलस्टोन्स इंशाल्लाह अचीव कर पाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन खान है एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने फार्मूला वन और नस्ट के साथ मिल के पाकिस्तान की फर्स्ट हाइब्रिड व्हीकल क्रिएट की है। हमारे स्कूल्स हैं कराची के अंदर अराउंड 40 कैंपसेस इज 1982 और हमारी ये कोशिश है कि साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर हमारे बच्चे आगे से आगे जाएं, मुल्क के नाम रोशन करें। और एज ए गोल्ड स्पॉन्सर आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स इन नस्ट जिन्होंने ये फार्मूला कार अनवेल कर रहे हैं एंड हमारे बच्चों की जो काविशात हैं, उनकी जो मेहनत है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में रिकग्निशन मिलेगी उनको। अभी हमारे बच्चे दे गोइंग टू अबू धाबी फरारी वर्ल्ड के अंदर, वेल दे विल बी डिस्प्लेइंग देयर मॉडल्स, उनके जो इंजीनियरिंग का मार्वल बनाए। और हम लोग एज ए स्कूल एज HPGS हम उनके साथ डे वन के साथ अटैच्ड हैं और इनके साथ हम वी डिज़ाइनिंग द कार, वी आर मेकिंग श्योर दैट उसकी एरोडायनामिक्स, उनकी इंजीनियरिंग, उनके इंजन्स और परफॉर्मिंग वेल। एंड इवन लास्ट ईयर सबसिक्वेंट ईयर्स में हमारी पाकिस्तान की जो कार थी वो टॉप 3 पोजिशंस में मिली थी और इस बार भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी जो कार हमने डिज़ाइन की है वो भी इस बार टॉप 3 के अंदर आ सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।